सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि गांव में जो ठीकरी पहरा लगाया जाता है उसमें सरकार हमारा पूरा सहयोग करे, पुलिस प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करे। जब हम ठीकरी पहरा लगाते हैं तो उस नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। यह टेली पुलिस स्टेशन है जहां जो ग्रामीण चौकीदार हैं वो आज पुलिस के साथ इनकी मुलाकात थी, मीटिंग थी। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाएं। आ जाओ सर आप। मैं मलखान सिंह चौकीदार ब्लॉक प्रधान अटेली। श्रीमान जी, चौकीदारों का काम सरकार की तीसरी आँख है, फिर भी इतनी महंगाई के ज़माने में चौकीदारों को सिर्फ 7,000 रुपये मानदेय भत्ता मिलता है, वो भी कभी 2 तारीख को, कभी 7 तारीख को, कभी 15 तारीख, कोई टाइम फिक्स नहीं है। चौकीदार लालन पासन इसी सेवा में करते हैं, 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहती है, हर महकमे से संलग्न में रहते हैं, फिर भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। हम चौकीदार गरीब परिवार से हैं, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हम सरकार से आग्रह करते हैं अब चौकीदारों की तरफ भी ध्यान दिया देना चाहिए। क्या हम सफाई कर्मचारी से कमज़ोर हैं क्या? हम 24 घंटे सेवा में रहते हैं, हम कोरोना में भी काम किया, हम कोरोना योद्धा भी नहीं बनाया, मानदेय भत्ता भी नहीं बढ़ाया, वो 7,000 रुपये। हम सरकार से आग्रह करते हैं चौकीदारों की तरफ से, अगर सरकार तुरंत प्रभाव से चौकीदारों का पूरा बढ़ोतरी करे, कम से कम डीसी रेट होना चाहिए और न्यूनतम वेतन होना चाहिए चौकीदारों को। कोई आखिरी अपील यही है सरकार से आग्रह। सर ये तो सरकार से आपकी मांग थी, वो सरकार देख लेगी क्योंकि पहले भी आप बोल चुके हैं। ये आज का विषय जो है कि आज आप पुलिस स्टेशन आज हमारे अटेली इसके ऊपर बताइए। आज हमारे अटेली पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस अधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई के अंदर पुलिस स्टेशन ब्लॉक खंडा टेली के सारे चौकीदार ग्रामीण पहुंचे और सरकार ने हमारे को तीसरी आँख का रूपरेखा दी, ठिकरी पहरे के बारे में बताया, कोई संदिग्ध आदमी के बारे में बताया, कोई गांव के अंदर बाहर से आता है उसको इन्फॉर्मेशन देना, कोई बदमाशी तत्व का आदमी है उसका इन्फॉर्मेशन देना, कोई लड़ाई दंगा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन देना, कोई हरे पेड़ काटता है उसकी इन्फॉर्मेशन देना, कोई किसी प्रकार की पार्टीबाजी करता है। गांव में आप चौकीदारी का काम करते, बड़ी जिम्मेवारी का जो काम है आपका, किस प्रकार की समस्याएं जो, क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली हैं, चोरियां भी होती रहती हैं, तो किस तरह की समस्याएं आप चौकीदारों के सामने आती हैं? हाँ तो हम ठीक रिपेरा लगाते हैं, कोई भी संदिग्ध आदमी होता है इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन देंगे और हम सरकार की पालना करेंगे। सरकार का आप करेंगे, समस्याएं क्या आती हैं आपकी? क्योंकि जो आपने अभी पुलिस के साथ आपकी मुलाकात, पुलिस को भी आपने काफ़ी समस्याओं के बारे में बताया, कौन सी समस्याएं हैं जो चौकीदारों को सामना करना पड़ता है? कई गाँव में स्वार्थी तत्व होते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो गाँव का आकर प्रेशर करके उनको छुटा देते हैं और जी फिर हमारे पास ठिंगा दिखाते हैं जी तुमने हमारा क्या बिगाड़ लिया। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं, हमारे को ठीकरे पर लगाते हैं तो हमारे साथ सरकार भी पूरा सहयोग करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सरकार को भी इनका सहयोग देना चाहिए, उच्च अधिकारियों को भी आपको सहयोग करना चाहिए। आप बताइए सर जी बारे में। मैं मनोज कुमार, जिला प्रधान तोबड़ा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि गाँव में जो ठीकरी पहरा लगाया जाता है उसमें सरकार हमारा पूरा सहयोग करे, पुलिस प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करे। जब हम ठीकरी पहरा लगाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिन में दे दी जाती है, उसके बावजूद भी जो रात को बंदे पहरा लगाने से मना कर देते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। रात को फ़ोन करते हैं तो पुलिस समय पर नहीं पहुंचती। लेकिन अब तो 112 आ गई है, तो अभी भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर अभी ठीकरी पहरा लगा नहीं है, सरकार के आदेश अब हुए हैं, सर्दी आई है तो अब ठीकरी पहरा लगाएंगे, उसके बाद बताएंगे सर कितनी हमें रिलीफ मिलती है। पुलिस से आपकी मुलाकात, पुलिस ने किस तरह के आपको सुझाव और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, किस तरह से? पुलिस ने हमें कहा कि भाई गांव में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप गांव के बारे में आप सब कुछ जानते हो लेकिन आप हमें बताते नहीं हो। वो बताने का तात्पर्य सर ये मेरा कि गांव के अंदर भी मिलकर रहना पड़ता है, कई बार जैसे हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे देते हैं सरपंच या नंबरदार के दबाव से, पुलिस प्रशासन भी उस बात को दबा देती है और चौकीदार का नाम उजागर हो जाता है कि उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन गुप्त रखी जाए और हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार जो बता रहे थे कि गांव में आपसी गुटबाजी हो जाती है और सरपंच जिनको राजनीति करनी होती है वो ऐसे शरारती तत्वों का साथ दे देते हैं, खैर उनको नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ चौकीदार थे जो आज अटेली पुलिस स्टेशन में आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, पुलिस ने भी इनको सहयोग का पूरा आश्वासन जो है दिया है। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।